अगर आप लोग हौसला दें, दुआ दें, साथ दें, उसी तरह जिस तरह से कायद मोहतरम के साथ आप खड़ी हुई थी, वो लील को लील बनाने वाली आपको बहनें थी, वो माएँ थी जो वोट करती थी हक बजाने और अपने खालिंदों को अपने बच्चों को बोलती थी कि इस बार हम हमारे कायद को जिताएंगे। इस बार आप यह अज़्म करके उठें कि मोहम्मद मोहसिन आपका भाई ही है, आपका बेटा ही है। अगर आप हौसलों से, वोटों से, दुआओं से अगर मुझे नवाजेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपका कायद नहीं खादिम बनकर के आप लोगों के लिए काम करूंगा। की बहनों के सामने एस डी पी के बारे में कुछ बोलने का हमें मौका दिया, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का ये जो गेट टुगेदर रखा गया है, इंडिया आज़ाद होकर 70 साल रहे, 99% लोग बोलेंगे एस डी पी बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, कुर्बानियां देते आ रही है। इतने बड़े तादाद में मुसलमान हैं, आप कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहने के बावजूद पूरे मुसलमान को आप कहां भी जाकर मिलो, कहां भी जाकर मिलो, दिल्ली में मिलो आप, तमिलनाडु में मिलो, कर्नाटक में मिलो, गुजरात में मिलो, बिहार में मिलो, कहां भी जाकर मिलो, मुसलमान का सिर्फ एक ही गाना रहता है, एक ही गाना उसका, वो क्या है भाई, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी को आने से रोकने के लिए हम लोग पूरे इकट्ठा होकर बीजेपी को रोकने वालों को वोट करना। तुम्हें क्या भी बोलो, मैं मोदी जैसा बेवकूफ इंसान कौन भी नहीं है, मोदी को जो है कुछ नहीं आता, ना इकोनॉमिक्स आती, ना इंडिया हिंदुस्तान का फाइनेंस आता है, कुछ नहीं आता उसे, उससे सिर्फ भाषण करने आता, झूठे बातें करने आता उसे। मैं तुम्हारा 500 वोट दिला दो, मैं तुम्हारा 1000 वोट दिला दो बोलकर वहां 10-10 लाख रुपए लेती हुआ, 10 लाख रुपए में 4 लाख स्वाहा उमोचना जाती, बाकी 1 लाख लाके मोहल्ले में गरीबों को बांटती हूँ, बांटकर इलेक्शन लड़ती हूँ। ऐसा इलेक्शन लड़के एक MLA जीतने वाला तुम्हारे लिए क्यों काम करना उन्हें, या MLA जीतने वाली तुम्हारे लिए क्यों काम करना उन्हें, जीतने के बाद उन्होंने क्या कर दी, 5 साल जो ओहदे में जाकर बैठे वहां इर्द गिर्द में खुरच 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 के खाते रहती हूँ। के जो कैंडिडेट मोहसिन साहब जो है वो बहुत जमाने से इधर मुस्लिम राइट्स के लिए, दलित राइट्स के लिए और इधर के पिछले गए लोगों का एक आवाज़ बनकर काइंड ऑफ वॉइस ऑफ द वॉइसलेस पीपल तकरीबन 10-12 साल से काम करते आ रहे हैं और सोशल सर्विस के मैदान में, मुस्लिम एम्पावरमेंट, दलित एम्पावरमेंट के मैदान में जो है उनका काम काबिले तारीफ है। ही इज़ अ प्रूवन मैन इन मेनी एस्पेक्ट। तो अभी SDPI के कैंडिडेट है इधर MLA के लिए गुलबर्गा नॉर्थ, एक बेहतरीन मौका है इधर के माइनॉरिटी, इधर के दलित, इधर के सेक्युलर माइंडेड हिंदू सब मिलकर एक क्लीन मैन एक पॉलिटिकल मैदान में आकर तकरीबन 7-8 साल से जो काम कर लेकर है, इस काम को देखकर, इसके डिलीवरी अब तक जो काम किया है उसको देखकर वोट करके फील्ड में काम करके उसको कामयाब करके भेजेंगे असेंबली को। तो ये नॉर्थ कर्नाटका का और यहाँ के दबे कुचले लोगों का, यहाँ के गरीब अवाम का एक आवाज़ बनकर कर्नाटक के असेंबली में इसकी आवाज़ गूंजेगी, ये हमारी उम्मीद है। हमें बुलाया गया कि वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो सोसाइटी के लिए चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हमें स्पेशली बुलाया गया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वुमेन्स एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक सोसाइटी के डेवलपमेंट में और सोसाइटी के अंदर अपने रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अडप्ट करते हुए डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए अपना एक एम एंड प्रोजेक्ट प्लान की हुई है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो सिस्टर्स बहुत ही डेडिकेटेड हैं, केयर करती हैं और कॉन्फिडेंट हैं और होप दैट के आने वाले इलेक्शंस में भी ये लोग बहुत ही हॉनेस्टली
डेडिकेटेडली वर्क करेंगी सोसाइटी के एम्पावर उनका वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए और एक अच्छा समाज के गठन के लिए काम करेंगी। तो मेरी उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता हैं और वो बहनें इसी तरह से अगर काम करेंगी तो हमारा राज्य कर्नाटक और मुल्क आने वाले दिनों में बहुत ही डेवलप होगा और हर कोई अपने रिलीजन पर प्रैक्टिस करते हुए अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। हम NWF यानी नेशनल वुमेन्स फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से हैं। हम मुसलसल 6 महीनों से खवातीन के घरों पे जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और मोहसिन भाई के लिए बात कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमारी तकलीफ़ों को दूर करे, जो हमारे मसलों पे बात करे, जो हमारे मसाइल पे बात करे। वो सिर्फ अपने निजी मामलात के लिए लीडर ना हो बल्कि वो उम्मत के लिए लीडर हो हमारे, ताकि इसी तरह से हम हमारे शहर गुलबर्गा को फिर से एक बार गुलिस्तान बनाया जाए। यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, ये इसी बुनियाद पर रखा गया है कि आज जो MLA कैंडिडेट मोहसिन भाई हैं उनको हम जिताएं। हर उम्मीद हर कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम बहनों की NWF की तरफ से और घरों में जो भी बहनें हैं हमसे गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो मोहसिन भाई को अच्छी तादाद से वोट करके उन्हें जिताएं और अपने महलों में, घरों में, खानदानों में जो भी बहनें हैं अपने भाइयों को, बहनों को कन्विंस करें कि वो मोहसिन भाई को वोट देकर उनको अक्सरियत से जिता कर एक हमें एक अच्छा उम्मीदवार दें और एक अच्छा लीडर हमें सौंपें, क्योंकि हम आज के हालात बहुत ख़राब हैं। इस ऐसे हालात में हमें एक मोहसिन भाई जैसे उम्मीदवार होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे भाई जो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, कांग्रेस है, BJP है, IMI है, ये लोग उस वक्त कहाँ गहरी नींद में सोए पड़े थे जब ट्रिपल तलाक का मामला, ट्रिपल तलाक को इशू किया जा रहा था। ये लोग उम्मत के कायरों, उम्मत की भलाई करने वाले, ये लोग कहाँ मर गए थे या फिर उन्होंने गफलत की नींद में पड़े हुए थे ये लोग, जब इन्होंने कोई मसला नहीं उठाया, कोई आवाज़ नहीं उठाई, वो उसी पार्टी में मौजूद थे, कम से कम उनकी गैरत ये भी नहीं कही कि हम रिजाइन तो दें अपनी इस पार्टी से जो सब मिल के मुसलमानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कि मेरे भाई कहाँ सोए थे, ये शेर आज इलेक्शन के दौरान जाग उठे हैं। हमारे भाई कहते हैं कि आज हम तुम्हारी मेरे आज ये भाई कह रहे हैं कि हमें और दो कई एक तंजीमों से जुड़े हैं। आज मुसलमानों के पास रुपया, पैसा, धन, दौलत सब कुछ है लेकिन एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन हमें अपने शोहरों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ, हम तमाम को अपना मसला, अपना फिरका सब कुछ छोड़ के हमें इस प्लेटफॉर्म पे आना है ताकि हमारी ताकत बने, ताकि हम कसर तादाद हो के हम अपने विकार के लिए, अपने हकूक के लिए हम खुद लड़ाई करें। ये हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है SDPI या फिर हम चाहते हैं खवातीन NWF में ज्वाइन हो जाए। NWF के जरिए या फिर SDPI के जरिए हम इन हालात पे क्या है हम कंट्रोल करना चाहते हैं।